क्रिकेट को लेकर डिफरेंट फैसले हो रहे हैं। पाकिस्तान की क्रिकेट मुसलसल शिकस्त का सामना भी कर रही है। अगर हम बात करें तो इस बार यानी कल के दिन में हमें एक तीसरी द थर्ड डिफीट फ्रॉम इंडिया, हमें तीसरी शिकस्त का सामना हुआ। तो बहुत सारी ऐसी अच्छी अच्छी चीज़ें भी सामने आ रही हैं और कुछ ऐसी चीज़ें भी आ रही हैं जिनसे हमें बहुत कुछ सीखने की भी ज़रूरत है। जैसा नीता डार ने कहा था कि हम इंडियन प्लेयर से सीखते हैं, तो आई गेस कि अब वाकई सीखने की ज़रूरत है, बिकॉज अगर सीखेंगे नहीं तो आगे बढ़ेंगे नहीं। और दूसरी जानिब नाज़रीन, जहाँ पर हम देख रहे हैं बड़े बड़े अखबारात हैं, बहुत सारी ऐसे न्यूज़ प्लेटफॉर्म्स हैं जिन पर आपको यकीन करना पड़ता है, और वहाँ पर भी चैंपियंस ट्रॉफी अभी तक नज़रों में है और डिस्कशन के अंदर शामिल है। बिकॉज हमारे मोहसिन नकवी साहब, जो कि हमारे पीसीबी के चेयरमैन हैं, वो जा चुके हैं जनाब, रवाना हो चुके हैं, जा रहे हैं, रास्ते में हैं, और आई गेस के इन्हीं दो दिनों के अंदर डिसाइड हो जाएगा कि बजट की क्या सिचुएशन होती है। अगर तो ICC बजट रखती है थोड़ा सा UAE के लिए, तो इट मीन्स के को होस्ट करेगा UAE, लेकिन अगर तमाम बजट पाकिस्तान के लिए रख दिया जाता है तो फिर पाकिस्तान ही चैंपियंस ट्रॉफी को होस्ट करेगा। सो नाज़रीन, इसी के साथ आज हम थोड़ा सा डिस्कशन को और ब्रॉडर वे में करना पसंद करेंगे। तो आज हमें ज्वाइन किया है इंडियन जर्नलिस्ट हैं टाइम्स ऑफ इंडिया, जो कि एक बहुत बड़ा इंडिया का न्यूज़पेपर है, जहां पर जिसकी खबरें ऑलमोस्ट वैलिड होती हैं, वो वहां पर एक अपना बेहतरीन काम पेश करते रहे। और पाकिस्तान का बहुत काफ़ी देर तक, जब पाकिस्तान इंडिया आपस में हालात भी अच्छे थे, तो पाकिस्तान का दौरा किया, पाकिस्तान की बड़ी बड़ी जो खूबसूरत जगह हैं वहाँ पर विजिट भी कर चुके हैं और एक बेहतरीन तज्ज़िया रखते हैं। इंद्रनील बसु जी हमारे साथ मौजूद हैं, इंडियन जर्नलिस्ट हैं। सो इंद्रनील, होप यू आर डूइंग वेल। Absolutely, नमस्कार, absolutely right on top of the world. Yeah, exactly. सब यहाँ पर अच्छा है, कुशल मंगल है, लेकिन जब हम क्रिकेट की बात करते हैं तो दिल परेशान हो जाता है, बिकॉज हम ऑलरेडी बहुत इस वक्त कहले के क्रिकेटिंग क्राइसिस से गुजर रहे हैं। तीसरी बार ऐसा हो चुका है, हमारी वेमेन क्रिकेट टीम भी इंडिया से हार गई है, बट कॉन्ग्रेचुलेशन टू यू। इंद्रनील, आई वुड लाइक टू डिस्कस अबाउट अ फर्स्ट थिंग जिसके बारे में बहुत बात हो रही है, जो कि चैंपियंस ट्रॉफी है। टाइम्स ऑफ इंडिया के एडिटोरियल के अंदर हमने देखा कि उन्होंने कहा कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए। आप भी, आपने वो टाइम देखा है जब पाकिस्तान इंडिया आपस में क्रिकेट खेलते थे, ताल्लुकात बहुत अच्छे थे, रिलेशंस अच्छे थे, क्रिकेट अच्छी थी। अब जब आप भी देखते हैं तो डेफिनेटली आपको भी ख्याल आता होगा कि वो वक्त बहुत बेहतर था, आज वो वक्त नहीं है। बट व्हाट डू यू थिंक, व्हाट इज़ द ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इन इंडिया राइट नाउ? डू यू थिंक कि इंडिया को अगर चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होती है तो इंडिया शुड कम? नहीं, क्या है मसला, अगर एक है कि एक सेफ्टी सिक्योरिटी के चलते इंडियन क्रिकेटर शायद उतना विलिंग नहीं है पाकिस्तान में जाके खेलना, और पॉलिटिकल टेंशंस तो आते जाते रहते हैं। बट एक माहौल था 2004 में, माहौल था 2006 में, जब हर मैच पाकिस्तान जीती, आपको याद होगा, और शोएब मलिक मेरे को याद है एक के बाद एक मैन ऑफ द मैच वो जीत रहे थे और वन डाउन बैटिंग करने आते थे, और इंडिया के लिए बड़ा मुश्किल हो गया था दैट फेज टू विन ओवर पाकिस्तान। और हारना जीतना तो देखिए ये स्पोर्ट्स का एक पार्ट है, यू हैव टू टेक इट ऑन योर स्ट्राइड। इफ यू डोंट फॉल देन हाउ विल यू लर्न हाउ टू गेट अप? सो तो हारना जीतना तो चलता रहता है, और ये प्रॉब्लम ये है कि क्रिकेट ऐसा एक गेम है, बाकी तो सारे कुछ खेल रहे, क्रिकेट ऐसा एक गेम है, इट्स यूज एज अ पॉलिटिकल टूल, विच इज अनफॉर्चुनेट। और ये आज का जनरेशन का नहीं है, ये दिया हुआ है पिछले जनरेशन से कि क्रिकेट को आप डिप्लोमेसी के तौर पर यूज करिए और किया जाता है। I mean, we have other teams going to Pakistan, sports team भी पहुंच जाएंगे पाकिस्तान में जाती है, पर जब क्रिकेट का बात चलती है तब बोलता है अरे नहीं जाएंगे सब। बिल्कुल सही बात है, पर माहौल भी ठीक होना चाहिए। माहौल ठीक नहीं है, माहौल क्यों ठीक नहीं है, देखिए हम तो खेल कूद के पत्रकार हैं और पॉलिटिकल जर्नलिज्म तो करते नहीं है, पॉलिटिक्स तो हम देखते नहीं है। कई बार रमीज राजा भाई साहब से हमारा आई हैड अ मीटिंग विद हिम एंड हार्ट टू हार्ट टॉक, तो दे हैव देयर वे ऑफ थिंकिंग, बट मेरा ये है कि खेल है, खेल से। आई रिमेम्बर 2017 में जब पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जीती है, इट वॉज सो गुड फॉर पाकिस्तान बिकॉज क्रेडिबिलिटी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी थी, क्योंकि अब घर में नहीं खेल रहे थे, यू नीडेड अ विन टू एस्टैब्लिश योर डोमिनेंस इन वर्ल्ड क्रिकेट, और दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट। फिर से चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में बात चल रही है, कहीं भी मैच हो पाकिस्तान शुड फोकस मोर ऑन विनिंग द टूर्नामेंट रादर देन होस्टिंग द टूर्नामेंट। यू नो मैं क्रिकेट एक हार्ड कोर हूँ, कहाँ खेलता है इंडियन टीम, पाकिस्तान टीम, डजंट मैटर, आप कहीं भी खेल सकते हो,
यू नो आई मीन आई हैव सीन चेन्नई में पाकिस्तान विनिंग अ टेस्ट मैच इन 1999, आप कॉलेज में थे तब, और जिस तरीके से स्टैंडिंग ओवेशन पूरा पाकिस्तान टीम को मिली, मैं पाकिस्तान गया था, बीट ऑल द सिटीज एज यू राइटली मेंशनड, और मैं हर शहर में जाके इतना प्यार हमको मिले, इतना मेहमान नवाजी, मैं तो पूरा इम्प्रेस हो गया जी। और मैं आया और आके तुरंत किताब लिख दिया, विनिंग गेम्स एंड हार्ट्स उनका टाइटल था, तो दिल जीतना, दिल देना, ये तो एक पुराना सिलसिला है, कल्चर में रहता है। इनफैक्ट आई हैव सीन द वाघा बॉर्डर फ्रॉम पाकिस्तान साइड, लाहौर में 40 मिनट ड्राइव करके वाघा बॉर्डर देखा, और मैं कुछ डिफरेंस नहीं आया, लगा कि क्या है, एक ही बिल्कुल मुल्क है, एक ही लोग हैं, पंजाबी बात करते, खाना पीना रहन सहन सब एक है, क्रिकेट एक है, सबसे बड़ा चीज यही है। और हमारा एक एक जो डेवलपमेंट हुआ है इन लास्ट 10 इयर्स और सो, और वो है कि पाकिस्तान यूज टू प्रोड्यूस गुड फास्ट बोलर्स, तो इंडिया भी अभी प्रोड्यूस करने लगी है गुड फास्ट बोलर्स, दैट्स द ओनली थिंग वी हैव इम्प्रूव्ड। बट आई होप द रिलेशनशिप इम्प्रूव्ड, और एक माहौल हो जब इंडिया वुड गो टू पाकिस्तान एंड प्ले, और वो दिन शायद अब इट्स नॉट द राइट टाइम प्रॉब्ली, और आगे आगे के दिनों में शायद होगा, मगर अभी भी टेंशन है, टेंशन जब तक पूरा मिट नहीं जाए, पूरा एक दिन जैसे हमारे वाजपेयी जी ने एफर्ट लगाए थे, और जितना प्यार और इतना सारे इंडिया पाकिस्तान मैच उन दिनों होती थी, तो लोग एक्चुअली पागल हो गए, इतना सारे हमारे पास उतना पैसे नहीं है जी, हम जाके हर रोज टिकट खरीदती इंडिया पाकिस्तान मैच देखे, उस फेज में बहुत सारे मैचेस हुई थी 2004, 2005, 2006, 2007 में। बट अगर जैसे अब इंशाल्लाह अगर यू नो थिंग्स वर्क आउट वेल, डेफिनेटली इंडियन टीम विल गो, बट एज ऑफ नाउ आई डोंट सी मच ऑफ होप इंडिया होस्टिंग आई मीन पाकिस्तान होस्टिंग इंडिया, बट मैच कहीं भी हो, न्यूयॉर्क में हो, कनाडा में हो, किसी भी मुल्क में हो, बट इंडिया पाकिस्तान मैच में एक्स्ट्रा सेलिब्रेशन। बट और एक जो चीज है कि पाकिस्तान शुड फोकस इज टू इंश्योर दैट इट डजंट बिकम वन साइडेड गेम, बहुत सारे वन साइडेड इंडिया पाकिस्तान मैच हमें देखने को मिल रहा है लास्ट 4-5 सालों में, तो वो शायद बंद हो जाए, तो उसमें एक्साइटमेंट ज्यादा है, उसमें फोकस ज्यादा करना चाहिए पाकिस्तान को, रादर देन टॉकिंग अबाउट कहाँ खेले खेलना है या कहाँ खेलना चाहिए। आई मीन वी आर नॉट जैसे जैसे परफॉर्मेंस होता है यू नो एक नो खिलाड़ी, बट अगर हम बात करते हैं अभी T20 वर्ल्ड कप की, इट वाज नॉट दैट वन साइडेड बिकॉज पाकिस्तान वाज प्लेइंग गुड, पाकिस्तान टुक द 10 विकेट्स, एंड देन व्हेन इट कम्स टू द अदर साइड द सेकंड इनिंग्स, उस वक्त कुछ सिचुएशन ऐसी खराब हुई कि आप मैच जीत सकते थे, आपको एक स्कोर इजिली मतलब अचीव कर सकते थे, आप उसको चेस कर सकते थे, बट यू डिडंट डू इट, तो इट वाज इट केम व्हेन इट वॉज द सेकेंड इनिंग्स एक्चुअली। तो पाकिस्तान अभी जहां मैच वन साइडेड बनाता है वो अपनी बैटिंग की वजह से बना रहा है, अदरवाइज बॉलिंग हमने अच्छी की, हमने कोशिश की। अगर हम यूएसए के मैच की बात करते हैं तो हाँ, हमारी बॉलिंग भी वहां पर कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि हमारे डिसीजंस बहुत अच्छे नहीं, पाकिस्तान अभी एक्चुअली बहुत सारी अभी प्रॉब्लम्स का शिकार है, जहां पर कर भी सकता है वहां पर भी कुछ नहीं कर पा रहा है, अभी हमारी क्रिकेट टीम जो है वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लूप होल्स का शिकार है। इंद्रनील इसी के साथ हमें अभी ज्वाइन किया है, हमारे साथ सेट पर मौजूद हैं अली अहमद हैं, ये भी बहुत अच्छा एक जर्नल रखते हैं अपनी बात का, स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं और स्पोर्ट्स एंकर हैं एंड स्पोर्ट्स फैन एज वेल, सो वेलकम टू द शो अली, होप यू आर डूइंग वेल। अच्छा, मैं अभी जैसे इनसे गुफ्तगू का सिलसिला मेरा इनके साथ जारी है, हम बात कर रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी के बारे में, और स्पेशली व्हाट ही सेड इज दैट के मैच अच्छा होना चाहिए, क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए, कहीं पर भी हो, कोई भी होस्ट करे, डजंट मैटर, ऑफ कोर्स इट डजंट मैटर, बट खेल हमें हमें तो खेल से प्यार है और हम खेलते हुए देखना चाहते हैं दोनों टीम्स को। अली हरभजन सिंह की जब भी बात होती है वो एक अपना उनका एग्रेसिव सा एक एंगल होता है, वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होकर बात करते हैं। उनसे पूछा फरीद खान, आई गेस के ही इज ऑल्सो स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, तो उनसे उन्होंने पूछा कि हु इज बेटर लाइक रिजवान और धोनी, एक तो सबसे पहले आई वुड मतलब मैं इसके ऊपर बात करूंगी कि मुझे खुद पसंद नहीं है आप किसी को किसी के साथ कंपेयर करें। उन्होंने इसका जवाब दिया, वो कहते हैं भाई कोई मुवाजना नहीं है, आप रिजवान से पूछ लो, वो भी बोल देगा कि कोई मुवाजना नहीं है, धोनी कहाँ है मैं कहाँ, और धोनी जैसा कोई आ भी नहीं सकता, ना कोई आया है। सो व्हाट वुड यू से अबाउट दैट? अच्छा, इससे पहले मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हरभजन की जगह पे कोई नॉन प्रोफेशनल प्लेयर होते ना, कोई ऐसे एज अ फैन होते, अगर वो ये बात करते तो आई थिंक हमें इतना जो है ना प्रॉब्लम नहीं होनी थी इनके वास्ते से। देखें, एक प्रोफेशनल प्लेयर हैं, अगर आप इनका करियर देखें तो बड़ा अच्छा रहा, बड़े अच्छे ऑफ स्पिनर रहे, इन्होंने बड़ी अच्छी अपनी इंडिया की तरफ से बॉलिंग की है। तो जिस तरह की उन्होंने स्टेटमेंट दिया, जो उन्होंने कहा है
कि धोनी जो अच्छे हैं, देख लें दोनों का कंपैरिजन नहीं है, अगर एमएस धोनी के कैरियर पे बात करें तो जिस तरह से इंडिया को उन्होंने सर्व किया, उन्होंने जिस तरह मतलब वर्ल्ड कप जितवाया या T20 वर्ल्ड कप या चैंपियन ट्रॉफी जितवाई है, तो दोनों का कंपैरिजन बनता ही नहीं है। एमएस धोनी की अगर बैटिंग पे बात करें तो आते थे मिडल ऑर्डर में, अगर मोहम्मद रिजवान को देखें तो वो ओपन खेलते हैं, तो इस तरह बैटिंग में भी आप कंपैरिजन नहीं कर सकते, आप कीपिंग में भी कंपैरिजन नहीं कर सकते।